हेलो दोस्तों वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें इसके कितने टाइप्स होते हैं इससे पहले की वीडियो में भी मैं इसे थोड़ा सा बता चुका हूँ यानी इससे पहले की वीडियो जो थी हमारी स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की कितनी स्टेजेस होती हैं या कितने इसके कॉन्सेप्ट होते हैं तो उस वीडियो में मैं इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका हूँ जिसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सेलिंग कॉन्प्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा उसमें बता चुका हूँ अब ये जो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है या काफी ब्रॉड है इसमें बहुत सारी चीजें आती है तो इसको हम आज की इस एक अलग वीडियो में समझेंगे तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं यहाँ लिखा हुआ है हॉलिस्टिक मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट फोकसेस ऑन द होल बिजनेस एज वन एंटिटी इन अ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑल द कंपनीज डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द डिफरेंट कॉम्पोनेट्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटी वर्क टूगेदर टू अकम्पलिश शेयर्ड गोल्स एंड सपोर्ट द कंपनीज परपज तो इसका मतलब यह है कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटी है जो पूरे बिजनेस को एक इंटिटी के रूप में देखती है इसमें उस बिजनेस या कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स और मार्केटिंग कॉम्पोनेंट्स जैसे कि सेल्स एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग कस्टमर सर्विस ये सारे मिलकर काम करते हैं ताकि जो इनके अलग अलग गोल्स हैं जो शेयर्ड गोल्स हैं वो अचीव हो सके और ये कंपनी के जो पर्पस है एक साथ काम करके ये उसे पूरा कर सके उसे सपोर्ट कर सकें तो इस तरह यह अप्रोच यह इंश्योर करती है कि हर डिपार्टमेंट और कंपोनेंट अलाइंट हो और कोऑर्डिनेटेड हो इसमें हर डिपार्टमेंट अपने टास्क को ओवरऑल कंपनी गोल के साथ अलाइन करता है कोलेब्रेशन और क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करता है तो आजकल जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है वो यही है वो यही अप्रोच है जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ एक लाइन में लिखा है कि एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग मार्केटिंग में हर चीज़ मैटर करती है हर एक चीज़ का इम्पैक्ट मार्केटिंग पर पड़ता है अब सिर्फ कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाने पर फोकस नहीं किया जाएगा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखना जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं जो इम्प्लॉयज हैं वो अपने कस्टमर से कैसे बात कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी तो सेल डिपेंड करती है उन्हीं की वजह से सेल और बढ़ती है इंक्रीज होती है तो इस तरह यह होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेकर आता है सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के नहीं बल्कि कंपनी की इमेज इम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट और सोसाइटी पर इम्पैक्ट को भी कंसिडर करता है तो इस तरह यह सिर्फ कस्टमर्स को दिखाने वाली चीज नहीं है बल्कि ये इस बारे में भी है कि आपकी कंपनी इंटरनली कैसे ऑपरेट करती है कंपनी के सब लोग मार्केटिंग एफर्ट का पार्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करता है ये सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट प्रमोशन, सेल्स तक ही लिमिट नहीं है बल्कि इसमें ब्रांडिंग पब्लिक रिलेशंस और इंटरनल मार्केटिंग भी इंक्लूड हैं तो इस तरह हॉलिस्टिक मार्केटिंग सिर्फ बाहर से कस्टमर को अट्रैक्ट करने का नहीं बल्कि कंपनी के अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होने का कॉन्सेप्ट है इसमें इंप्लॉयिज़ को मोटिवेट और इन्फॉर्म्ड रखना इम्प्लॉयिज़ को कंपनी की वैल्यूज़ और गोल्स से अलाइन करना जिससे वो अपने काम में पैशन दिखाएं ऐसे कल्चर बनाना जो इनोवेशन और टीम वर्क को प्रमोट करें दोस्तों अब आप हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की मीनिंग को अच्छे से समझ गए होंगे अब आइए आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ हॉलिस्टिक मार्केटिंग हॉलिस्टिक मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में तो यहाँ इसके चार टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है इंटरनल मार्केटिंग यह इंटरनल मार्केटिंग यह इंश्योर करता है कि कंपनी के सभी इंप्लाइज चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो कंपनी के गोल्स और वैल्यूज को वो अंडरस्टैंड करें और उन्हें वह सपोर्ट करें मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है उसके अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पर जो काम करने वाले इम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे काम करते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो आउटपुट जो होगा वो भी अच्छा निकल कर आएगा और अगर आपस में तनाव होगा झगड़े होंगे तो सेलिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी तो इस तरह इम्प्लॉयज़ को कंपनीज की वैल्यू उसके गोल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में ट्रेन करना इम्प्लॉ इंगेजमेंट और मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च करना क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स इस्टेब्लिश करना ताकि इम्प्लॉयज हमेशा अपडेटेड और अलाइंट रहें हॉलिस्टिक मार्केटिंग का दूसरा टाइप है सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग इसका फोकस होता है बिजनेस प्रैक्टिस और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाने पर मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो सोसाइटी के हिसाब से बनाएं उनके भले के लिए हों और उनके अच्छे के लिए हों सेफ हों क्योंकि अगर कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा उस प्रोडक्ट से कस्टमर की हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है तो वो आपके प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदेंगे तो इस तरह लोगों को अच्छा और हेल्दी प्रोडक्ट देना भी यह भी मैटर करता है इसका तीसरा टाइप है रिलेशनशिप मार्केटिंग यह फोकस करता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने पर ना कि सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन पर एक कंपनी को अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहिए और उसके जो हैं जो उनके साथ हैं या जो चैनल्स हैं जो पार्टनर्स हैं जो सप्लायर्स हैं या जो भी उस मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं सबके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध या अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए सिर्फ कस्टमर को जोड़ना ही नहीं बल्कि उनसे एक रिलेशन बिल्ड करना ताकि वो आपके साथ लॉयल रहकर बिजनेस कर सकें वो आपके प्रोडक्ट को हमेशा परचेज़ कर सकें क्योंकि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना देने से कुछ नहीं होता है अगर आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है और वह आपके साथ लॉयल है तो ही आप आगे और ग्रो कर सकते हैं तो जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ही सक्सेस के चांस और बढ़ेंगे तो इसमें अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर को स्पेशल फील करवाना रिवार्ड्स और इंसेंटिव प्रोवाइड करना ताकि कस्टमर वापस आते रहें यह सब शामिल है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट और लास्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यह एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें सभी मार्केटिंग चैनल्स का इस्तेमाल करके मार्केटिंग की जाती है इसमें कम्युनिकेशन के सभी मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें फोर पीज को इंक्लूड किया जाता है यानी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन इन सभी के ऊपर फोकस करना होता है तो इसमें हर मार्केटिंग चैनल पर सेम मैसेज और ब्रांडिंग होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सारी टीम मिलकर कैंपेन डिजाइन करती हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अलाइन करना ताकि सारे चैनल्स कोऑर्डिनेट और कंसिस्टेंट हों तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की मीनिंग और इसके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अलग अलग स्टेजेस के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस पहले थी और अब कौन सी हैं तो आप इसके लिए इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में प्लेलिस्ट जो है उसको जरूर चेक करें और अगर आप इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू